गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द एंड्रोशियम गाइनोशियम इट मींस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी आर स्टार्टिंग अ प्रोसेस विच हेल्प टू ब्रिंग दीज गैमेट्स टुगेदर, जो इनको साथ में लाने में हेल्प करती है, दैट इज पॉलिनेशन. बहुत सिंपल टर्म है, 6th, 7th, 8th से ही आपने पढ़ा होगा. द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination. जब pollen grain जो anther में बना है transfer होकर किसी carrier के through कहाँ जाए, stigma के ऊपर जाए, जिसका लास्ट पार्ट ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल है, जिसमें एग सेल है, उससे मीटिंग के लिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. नाउ वी विल डिवाइड दिस प्रोसेस इनटू टू पार्ट्स. अब हम इस प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी एंड ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी. पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में. अगेन इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. अब क्या है डेफिनेशन, बहुत ध्यान से सुनना. सेम यहीं से, ये मेन डेफिनेशन से ही मैं सारी डेफिनेशन निकालूंगी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर, दिस इज नोन एज ऑटोगैमी. ऑटो मीन्स सेल्स, अपने ही फ्लावर के एंथर पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी. ओके, नाउ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, एनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. प्लांट इज नॉट चेंज्ड बट द फ्लावर इज एनदर फ्लावर. मैं अब एक डायग्राम से आपको ये प्रोसेस बताती हूँ. सपोज दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ प्लांट एंड बोथ आर द प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज एंड दीज आर द फ्लावर्स. ये दो सेम स्पीशीज के प्लांट्स हैं हमारे पास, प्लांट ए प्लांट बी, एंड बोथ आर ऑफ सेम स्पीशीज. दोनों ही सेम स्पीशीज के प्लांट है. सपोज रोज का प्लांट है ये, ठीक है. अब हम ऑटोगैमी को समझेंगे. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसका पोलन ग्रेन उसी के एंथर से कहाँ जा रहा है, उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, देन दिस इज नोन एज ऑटोगैमी. क्या बोलेंगे इसको, ऑटोगैमी. एंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इट इज नोन एज जिटोनोगैमी. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, जिटोनोगैमी. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी. ज़्यादातर जो पोएसी फैमिली के मेम्बर हैं, जैसे राइस है, वीट है, उनमें ज़्यादातर ऑटोगैमी ही आपको देखने को मिलेगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है. अगर बात करें इसके लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, कैथेरेंथस रोजियस, दैट इज सदाबहार. सदाबहार एवरग्रीन आपने सुना होगा, घरों में भी बहुत लगाया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह. सो दिस इज द प्लांट इन विच द फ्लावर इज बाइसेक्चुअल, स्टिल इट इज ट्रांसफर टू द अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन एनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज. देखिए वही डेफिनेशन इतनी वहीं से निकल आई है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पर जा रहा है जो दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट क्या है, सेम स्पीशीज का है, इसीलिए मैंने यहां दूसरा डायग्राम बनाया था. अब सुनिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower present on another plant
बट ऑफ सेम स्पीशीज। अगर ये रोज का है प्लांट तो ये भी रोज का है, सेम स्पीशीज पर जा रहा है लेकिन प्लांट दूसरा है और फ्लावर भी दूसरा है। दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी और जीनोगेमी। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशंस और द कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब मतलब क्या है इसका कि प्लांट में ऐसे क्या फीचर होने चाहिए कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, या फिर क्या ऐसे क्या एडेप्टेशन होने चाहिए जिससे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो नाउ वी विल डिस्कस द एडेप्टेशंस और कॉन्ट्रीवेंसेज ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस, क्या क्या कॉन्ट्रीवेंसेज होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पर बना देती हूँ, फिर उनको वन बाई वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाइसेक्चुअलिटी, होमोगैमी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिस्टोगैमी। बहुत अच्छे टॉपिक है, अभी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। एडेप्टेशन, फर्स्ट एडेप्टेशन इज बाइसेक्चुअलिटी। इट मींस इफ द फ्लावर इज बाइसेक्चुअल, इट मींस मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। सेमी फ्लावर में मेल फीमेल प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली इट इज फेवरेबल फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। एक कोई फ्लावर है उसमें ही एंथर है आपका, उसी स्टिग्मा है, तो भाई क्यों जाएं इधर उधर, यहीं से यहीं कर लेते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इन दिस केस इफ द फ्लावर इज बाइसेक्चुअल देन इट इज एडेप्टेड टू डू द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ द सेकेंड इज होमो, मतलब सेम। गैमी मीन्स गैमिट्स। इफ द मेल एंड फीमेल बोथ गैमिट बिकम मैच्योर एट द सेम टाइम, अगर दोनों मेल फीमेल गैमिट एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, इट मीन्स फीमेल गैमिट जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है बिल्कुल पोलिन ग्रेन को, देन दिस इज नोन एज होमोगैमी। इसका जस्ट अपोजिट फीचर हम क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए वो सेम फ्यूजन नहीं कर पाते हैं सेम फ्लावर के साथ में। तो होमोगैमी मतलब एक साथ गैमिट्स का मैच्योरेशन हो गया, बोथ आर रेडी, इट मींस बोथ आर रेडी, दे कैन डू द फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज नोन एज होमोगैमी। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ होमोगैमी इज पोटैटो। सेम टाइम पर मेल फीमेल गैमिट मैच्योर हो जाते हैं और अपना सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जांपल है, आप अभी आगे जेनेटिक्स में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ोगे एक टॉपिक में, दैट इज फोर ओ क्लॉक प्लांट। द साइंटिफिक नेम ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट इज मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। ओके, सो इन दीज प्लांट्स बोथ गैमिट्स आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एडेप्टेशन, सेल्फ मतलब खुद से, कंपेटेबल मतलब रिसीव। अगर अपना स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार है, इट हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक विच आर एसेंशियल टू टेक द ओन पोलन ग्रेन, उसमें सारे वो फीचर्स हैं, सारे वो केमिकल्स जो चाहिए होते हैं पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, इफ स्टिग्मा इज रेडी, अपने स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को स्टिग्मा अपने ऊपर ग्रोथ कराने के लिए तैयार है, पोलिनेट कराने के लिए तैयार है, दिस इज नोन एज सेल्फ कंपेटिबिलिटी। ओके, द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, फ्लावर्स अपने ब्लूमिंग के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं बेटा, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दोज विच ब्लूम्स, जो खिल जाते हैं पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम के बाद में, जब उनका एक पीरियड जो बडिंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद ये ब्लूम करते खिलते हैं, इनके पार्ट जो हैं मेल फीमेल पार्ट्स वो एक्सपोज होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। बट दीज आर दोज फ्लावर विच कैन नॉट एक्सपोज देयर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमेशा बंद रहता है, कभी खिलता ही नहीं है, ब्लूमिंग ही नहीं होती है इसमें। दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। अरे भाई, जब खिलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करेगा? ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा, इट मींस इट इज फोर्स्ड टू डू द सेल्फ पॉलिनेशन। इसको फोर्स कर रहा है नेचर कि भाई तू बंद है, तू सेल्फ पॉलिनेशन ही कर ले। ठीक है, सो दिस इज नोन एज क्लिस्टोगैमी। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ, सबने सुना भी होगा, दैट इज ग्राउंड नट।
फ्लावर खिलता ही नहीं, बंद ही रहता है हमेशा, तो क्या जब बंद है तो क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन करेगा। एक बहुत अच्छी एग्जांपल और है हमारे पास यहाँ पर बेटा, दैट इज ऑक्सैलिस, खट्टी बूटी। अगर सुना हो किसी ने, रूरल एरिया में कोई बच्चा रहता हो या नॉर्मली भी अगर किसी ने सुना हो, तो ऑक्सैलिस भी बहुत अच्छा है, एक एग्जाम्पल है इसका। एक मेरे पास और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कमेलिना, एक खास एग्जाम्पल है ये। कमेलिना एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी इस तरह का प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर बनते हैं, मतलब कैस्मोगेमस फ्लावर भी होते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं। इट मीन्स एक कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द अडेप्टेशंस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस द अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। देखो वहीं से, अगर आपने पहला वाला कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो वहीं से मैं जस्ट अपोजिट निकालती जाऊंगी इसके अडेप्टेशंस। सबसे पहला भाई हो गया आपका, वहाँ बाई सेक्चुअलिटी था, यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्चुअलिटी। जब मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज होमोगेमी, वहाँ पर क्या था, सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे थे गैमेट जो है, यहाँ पर है हमारे पास डाइकोगेमी। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। वहाँ पर था सेल्फ कंपैटिबिलिटी, यहाँ पर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पर और कुछ एडिशनल एग्जांपल्स और हैं बेटा, दैट इज हर्कोगैमी एंड हेट्रोस्टाइल। ओके, सबसे पहले लेते हैं यूनिसेक्चुअलिटी। मेल फ्लावर भाई अलग है, अलग मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जब प्लांट ही अलग है मेल फीमेल, तो फ्लावर ही अलग अलग हो गए, और वैसी बात है क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। अब आते हैं ये डाई मतलब टू, गैमी मतलब गैमेट्स। कहने का मतलब है दोनों गैमेट्स के मैच्योरेशन का टाइम क्या है, अलग अलग है। होमोगैमी में क्या था, मेल फीमेल एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे थे, भाई जब मैच्योर हो गए तो ऐसे ही कर लो, सेल्फ पॉलिनेशन कर लो, लेकिन जब यहाँ मैच्योर ही नहीं हो रहे एक टाइम पर, तो क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। अब देखो एंड्री वर्ड यूज होता है मेल के लिए, है ना, और गाइनी वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए, पढ़ा था एंड्रोशियम गाइनोशियम, है ना। तो प्रोटो एंड्री, प्रोटो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। अगर मेल पहले मैच्योर हो जाए फीमेल ना हो पाए, दिस इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री, और अगर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए मेल ना हो पाए, दिस इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ठीक है, यहाँ पर मेल पहले मैच्योर रहा है तो उस फ्लावर के पास जाएगा ना जहाँ फीमेल मैच्योर हो चुकी होगी, क्योंकि अपनी तो मैच्योर नहीं हो पाई। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर ये किसको रिसीव करेगी, जिसका एंड्रोशियम, जिसके पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर इसके पास पॉलिनेट होकर आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री एंड प्रोटो गाइनी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और तुम्हें दे देती हूँ। प्रोटो एंड्री में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास सनफ्लावर, सनफ्लावर में इसी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और हम प्रोटो गाइनी की बात कर रहे हैं, अरे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास बनियान ट्री, यहाँ पर हमें प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे जस्ट अपोजिट करेक्टर, हमने क्या पढ़ा था सेल्फ कंपेटिबिलिटी, कि भाई स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को आसानी से रिसीव कर लेता है अपने फ्लावर के, अपने प्लांट के, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं स्टिग्मा पर कि वो अपने पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करती, उसी स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है। सम इंटरनल केसेस आर देयर, सम केमिकल चेंजेस आर देयर बाय विच दिस कंडीशन क्रिएट्स इन प्लांट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ हर्कोगैमी, हर्को मीन्स बेरिया, गैमी मीन्स गैमेट्स। अगर दोनों गैमेट्स के बीच में कोई बेरियर आ जाए, कोई बाधा आ जाए जिससे वो मिल ही ना पाए आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हर्कोगैमी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ मैं तुम्हें, ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा में जो फ्लावर होता है वहाँ पर स्टेमेन और जो कार्पिल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी होता है, जिससे अपना पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पर आसानी से नहीं जा पाता। तो हेयर द बेरियर इज, यहाँ पर बेरियर क्या हो गया, डिस्टेंस, कि दे आर फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर हैं जिससे पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो कि कोई ना कोई कैरियर इन पोलन ग्रेन को उड़ाकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ले जाता है जो सेम स्पीशीज का है, वहाँ पर पोलिनेशन करा देता है। अब आता है हमारे पास लाइट हेट्रोस्टाइली।
हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मीन्स स्टाइल। स्टाइल भाई कौन सी स्टाइल, स्टाइल में रहने का, अरे वो वाली स्टाइल नहीं है, ये है आपकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इट मीन्स एक ऐसा कोई प्लांट जिसमें डाइमॉर्फिक फ्लावर्स हो, डाइमॉर्फिक मतलब दो तरीके के फ्लावर हों। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेट्रोस्टाइली का, हमारे पास बकवीट। ठीक है, बकवीट सुना हो शायद आप लोगों ने, कुट्टू जो खाते हैं ना व्रत में, जिसका जिसकी चीज़ें आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते हो, कुट्टू बकवीट। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बकवीट इसका, इसमें डाइमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। और ये भी ना ध्यान रहे तो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास प्रिमुला, ये दो एग्जाम्पल हैं, इनमें डाइमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। डाइमॉर्फिक फ्लावर से मतलब, अब यहाँ स्टाइल की बात हुई तो मैं स्टाइल को बताती हूँ। एक में तो स्टाइल होती है बड़ी, और जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी नीचे होता है, स्टाइल की लेंथ ज़्यादा होती है, स्टिग्मा की कम होती है। जबकि दूसरे अगर फ्लावर की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर स्टाइल छोटी होती है जबकि स्टिग्मा काफ़ी ऊपर होता है। अब भाई उल्टी कंडीशन हो गई है तो, कि भाई यहाँ पे स्टाइल बड़ा हो गया, लंबा हो गया, यहाँ पे स्टाइल छोटा हो गया, तो भाई अपने अपने पसंद नहीं आते इनको। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ना करके क्या करते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल, क्योंकि इनकी स्टाइल की जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये अपने सेम गैमेट्स में, सेम फ्लावर में फ्यूज़न नहीं हो पाता, इसलिए अलग अलग प्लांट पर जाकर फ्यूज़न करते हैं जो कि सेम स्पीशीज़ के हैं। सो दीज आर द एडेप्टेशन कॉन्ट्रीवेंसेज फॉर क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्चुअली इट इज़ माई फेवरेट, बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस, अब हमने मेल बना लिया भाई, फीमेल बना लिया, पॉलिनेशन वहाँ पहुँचा दिया, तो अब क्या कराएंगे भाई, फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Okay, till then, goodbye, have a beautiful day.